उत्तर प्रदेश अपराध के चलते सुर्खियों में रहता है और महिलाओं के साथ अपराध को लेकर तो नंबर वन है। रिपोर्ट्स की माने तो बीते साल महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा मामले उत्तर प्रदेश से आए। राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के मुताबिक देश भर में लगभग 31,000 शिकायतें मिली, इसमें 15,000 से ज्यादा सिर्फ यूपी की है। उत्तर प्रदेश में आम महिलाओं को छोड़ दीजिए, अब तो बड़े बड़े राजनीतिक घरों की महिलाएं भी दहेज के लिए प्रताड़ित की जा रही है। जी हां, लखनऊ के एक बड़े राजनीतिक परिवार की बहू ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। यह परिवार भी कोई साधारण नहीं है, इनका अपना रसूख है। दरअसल लखनऊ के सबसे लंबे समय तक सांसद रहे बिहार और मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन के परिवार से जुड़ा है। दरअसल लालजी टंडन की पौत्र बधू दिशा टंडन ने दहेज उत्पीड़न को लेकर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और PM मोदी को चिट्ठी लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। शादी के बाद से ही इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया था और बाबा, जैसा कि आप जानते हैं कि वो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे, वो उनकी जानकारी में ये सब बातें नहीं रहती थी और वो मुझे हमेशा प्यार और स्नेह, जब तक वो रहे तब तक मुझे उन्होंने हमेशा एक बहू नहीं बेटी का सम्मान दिया। लेकिन उनके जाने के बाद से ये चीज़ें दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं और बस वो अगर आज होते तो मेरे साथ ये नहीं होता, वो हम इस चीज़ के खिलाफ होते अगर वो आज होते हम। आप अभी इस वक्त कहाँ रह रही हैं और कब आपको वहाँ से निकाला गया? क्या आप लोग जॉइंट फैमिली में थे? जी, मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, मैं संयुक्त परिवार की बहू हूँ। शादी से लेकर जब तक उन्होंने घर से निकाला तब तक मैं सभी के साथ रह रही थी। अब मैं अपने मायके में अपने मायके के परिवार के साथ रह रही हूँ। आपका मायका कहाँ पे पड़ता है? मेरा मायका लहरपुर जिला सीतापुर में। अब आप क्या चाहती हैं प्रशासन? मैं यही चाहती हूँ कि इनके खिलाफ उचित कार्यवाही हो और मुझे न्याय मिले। गौरतलब है कि दिशा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई की पुत्र बधू है। दिशा टंडन ने अपने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है, साथ ही पुलिस पर कार्रवाई ना करने का भी आरोप लगाया है। उनका दावा है कि उन्हें दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, मगर पुलिस उनकी FIR तक दर्ज नहीं कर रही है, क्योंकि आशुतोष टंडन के राजनीतिक रसूख के आगे दिशा की बिसात ही क्या है। आपको बता दें कि दिशा की शादी 11 दिसंबर 2019 को अमित टंडन के बेटे आयुष टंडन के साथ हुई थी। अमित टंडन कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन के भाई हैं। दिशा ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए अंत में सोशल मीडिया का सहारा लिया। पुलिस द्वारा कोई सहायता नहीं मिलने के कारण मजबूरी में दिशा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया है और अपने साथ हो रही प्रताड़ना को लेकर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में उन्होंने अपने साथ हुए अत्याचार को बयां किया है। वीडियो में वो कह रही हैं, मैं दिशा टंडन पौत्र वधू लालजी टंडन, मुझे आशुतोष टंडन के परिवार के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी शिकायत मैंने कई जगहों पर कराने की कोशिश की, लेकिन उनके पद पर रहते हुए मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मोदी जी और योगी जी से विनम्र निवेदन करती हूँ कि मुझे न्याय मिले और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। साथ ही उन्होंने PMO इंडिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और लखनऊ पुलिस को टैग करते हुए अपनी पीड़ा बयां की है। दिशा ने बताया कि उनके ससुराल वाले उन्हें दहेज को लेकर ताने देते थे। दिशा की बड़े परिवार में दहेज उत्पीड़न की बात पर कहा कि जितना बड़ा परिवार होता है उनकी डिमांड भी उतनी बड़ी होती है। मैं मध्यवर्गीय किसान परिवार की बेटी हूं और बहुत सामान्य परिवार से आती हूं। मुझे कहा जाता था कि हमारे घर में जो बहुएं आती हैं वो ये दहेज लेकर आती हैं। दिशा टंडन ने अपने इस पूरे वाक्य में लालजी टंडन की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा, बाबूजी सरल स्वभाव के और दयालु प्रवृत्ति के राजनेता थे, उनकी तरफ से ये सारी बातें नहीं थी। वह मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे और ज्यादातर समय भोपाल में ही रहते थे। ये बातें मुख्य रूप से आशुतोष टंडन और उनकी फैमिली की थी। उन्होंने आगे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि ये धमकियां भी देते थे और इसकी रिकॉर्डिंग्स भी मेरे पास है। ये अपनी बीबी को भी बोलते थे मारने के लिए।
आपको बता दें कि दिशा टंडन ने अपने वीडियो में जिस आशुतोष टंडन का जिक्र किया है वह लालजी टंडन के बेटे हैं। अभी भाजपा के टिकट पर लखनऊ पूर्व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक हैं। वर्तमान में वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री हैं। इससे पहले वह तकनीकी और शिक्षा मंत्री भी थे। अब जब चुनाव सिर पर है तब भाजपा के एक कद्दावर नेता के घर से ऐसी बातें आ रही है। दहेज उत्पीड़न के मामले जब इतने बड़े राजनीतिक घर से सामने आ रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा जब सरकार के नुमाइंदे ही अपने घर की बहु बेटियों को इस तरह से प्रताड़ित करेंगे तो सूबे की बहु बेटियों की क्या ही सुरक्षा हो पाएगी। खैर, इस घटना ने कई बातें साबित कर दी है। पहला तो ये कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर सिर्फ झूठ फैलाया जा रहा है। दूसरी बात ये कि जब जनता का प्रतिनिधि ही ऐसा होगा तो फिर प्रदेश की महिलाएं कितनी सुरक्षित होंगी इस बात का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। बहरहाल, इस घटना से एक बात तो साफ हो गया है कि महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जिस तरह का ढोंग बीजेपी कर रही है, बहरहाल इन सब का जवाब जनता 2022 में अपने वोट के चोट से देगी।